खेसारी लाल यादव के वो आखिर कौन से दो गाने हैं जो कि ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत। हमारे जो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन है खेसारी लाल यादव, इनको कभी भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता और इनके आगे कोई नहीं टिक सकता। जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से लोग उनके गानों को पसंद करते हैं और फैंस उनके गानों को आते ही सुपर डुपर हिट बना देते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी खेसारी लाल यादव के ऐसे दो गाने हैं जो कि आज के डेट में ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। तो पहला गाना मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीछा ना छोड़ब गोरी। जी हाँ, ये जो गाना है जिसमें खेसारी लाल यादव का साथ दिया है अंतरा सिंह प्रियंका ने, और इस गाने का जो वीडियो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज हुआ है। 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और शायद जब वीडियो देख रहे होंगे तो व्यूज आगे बढ़ गया होगा। इस गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी इस गाने के जो लिरिक्स है वो कुंदन प्रीत ने लिखे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो रोशन सिंह है। तो ये गाने को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और ये जो गाना है ट्रेंडिंग लिस्ट में 14th, जी हाँ 14 नंबर के पर अपना जगह बनाया है, 14 नंबर के पोजीशन पर अपनी जगह बनाकर रखा है ये गाना। और दूसरे गाने की मैं बात करना चाहूंगी, दूसरा गाना तो आप सभी को पता है इंसान खिलौना हो गया, जो कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बना था ये गाना। सारे सारे गानों को पीछे छोड़ के, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई पंजाबी सॉन्ग हो, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, उन सारे सॉन्ग को पीछे छोड़कर नंबर 1 सॉन्ग बना था ट्रेंडिंग के। और वो गाना अब विश्वास नहीं करेंगे, इतने दिन होने के, इतने हफ्तों होने के बाद भी वो गाना तीसरी नंबर पर ट्रेंड हो रहा है, तीसरी नंबर पर ट्रेंड हो रहा है म्यूजिक की दुनिया में। और इस गाने को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो सोचिए कितना प्यार करते हैं खेसारी लाल यादव से उनके फैंस, और इस गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी इस जानकारी के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।